COVID-19 महामारी पूरे दुनिया में बढ़ते जा रहा है, खासकर से इंडिया जो है टॉप 7 में आ चुका है। और आपको बता दें कि इसी तरह पूरे इंडिया के अंदर कई COVID-19 के टेस्ट सेंटर हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई सारे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC कॉलेज में है, जो कि इसमें कई डिस्ट्रिक्ट के इसमें COVID-19 के टेस्ट होते हैं। इनके एक डॉक्टर की बहादुरी के अभी किस्से सामने आ रहे हैं। इन ऐसे डॉक्टर को दिल से सल्यूट करना बनता है। JNMC के प्रोफेसर मोहम्मद शमीम के बारे में, ये COVID-19 के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जो कि रविवार को COVID-19 के लक्षण मिले और इन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। हालांकि इनकी तबीयत नॉर्मल है, लेकिन वो घर से ही रह के सोमवार को तकरीबन 10 लोगों को उन्होंने फ़ोन द्वारा अपने जूनियर को गाइड करते हुए 10 मरीजों को डील किया और ये सिलसिला लगातार जारी है। इनकी इस बहादुरी के चर्चे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रमेश, हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण ने भी छापे हैं। इस पर JNMC के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद अली सिद्दीकी कहते हैं कि अब तक JNMC से 27 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ अलीगढ़ के केस नहीं है, अलीगढ़ के बाहर के भी केस हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने भी अपने डॉक्टर्स की और स्टाफ मेंबर की तारीफ की है, कहा है कि इस महामारी में कई डिस्ट्रिक्ट के मरीजों को JNMC अकेले देख रहा है। COVID-19 के जो भी पेशेंट आ रहे हैं, ख्याल रखा जा रहा है। COVID-19 से जंग लड़ रहा है हॉस्पिटलों के अंदर, अगर वो किसी वजह से COVID-19 से इफेक्ट होता है तो बात समझ में आ रही है, पर आप क्यों, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसको एक बार COVID-19 हो जाता है तो फिर उसको दोबारा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। इस पे प्रोफेसर मोहम्मद शमीम, जो कि COVID-19 के स्पेशलिस्ट हैं, जो कि काफ़ी मरीजों को देख रहे हैं, खुद रविवार को उनको इफेक्ट हो गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिससे कि उन्होंने बताया था COVID-19 से बचने के लिए क्या क्या जरूरी उपाय किए जा सकते हैं और खासकर से जिन लोगों को सही हो गया है और वो लापरवाही बरत रहे हैं उनको किस तरह का ख्याल रखना चाहिए। हम उन्हीं के जुबानी से उस पुरानी वीडियो को फिर से सुनते हैं। हेलो, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद शमीम, करंटली वर्किंग एज प्रोफेसर एंड एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दुनिया कोरोना वायरस के एपिडेमिक से जूझ रही है, पॉजिटिव आए हैं, इनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि जानवरों में पाया जाता था पहले। ये बीमारी पहले जानवरों से जानवरों में फैलती थी, लेकिन अब जो है जानवरों से इंसानों में शुरू हो गई और जो सीरियस फॉर्म इसका जो है कि इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिट होने लगी। एंड वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड अवर, वी हैव डेजिग्नेटेड टेस्टिंग सेंटर नॉट ओनली फ्रॉम अलीगढ़ बट एडजॉइनिंग एरियाज लाइक मथुरा, बदायूं, बुलंदशहर, खैर, नोएडा एक्सेट्रा। डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड विच इज 100 बेडेड विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक वेंटिलेटर्स, डायलिसिस मशीन, एक्सरे मशीन विच इज अवेलेबल टू द पेशेंट एंड दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द पेशेंट। फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, रेसिडेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स, वी आर प्रोवाइडिंग PPE किट फ्रीली। ऑल दोज हु आर इन द आइसोलेशन वार्ड, दे आर प्रोवाइडेड विद PPE किट। सेकेंडली, वी आर मॉनिटरिंग ऑल द पेशेंट फ्रॉम अ कंट्रोल रूम दैट इज इस्टेब्लिश इन द प्रिंसिपल ऑफिस। We have a facility of telemedicine. We are in the consultant. They consult, they talk to the patient, they talk to the resident doctors posted in the isolation ward. They advise the patient from there only. The resident doctor, they share the reports, x-rays and all the vital signs and symptoms of the patient to the control room and the consultant, they advise for the management and treatment. General public के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से खांसी है, बुखार है, गले में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग मेडिकल कॉलेज आएँ, अपनी जाँच करवाएँ। छुपाने से ये बीमारी नहीं जाएगी, इसका इलाज होना ज़रूरी है। सबसे पहले चेकअप होना ज़रूरी है और अगर चेकअप में पॉजिटिव आता है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% जो हैं ये सिम्टोमेटिक होते हैं और ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। बीमारी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जैसे होता है उसी हिसाब से ठीक हो जाता है। सिर्फ 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, उनको एडमिट करना पड़ता है और सिर्फ 3% पेशेंट को उनमें से ICU में ले जाना होता है। तो एक बार कोविड हो जाए तो दोबारा नहीं होगा, ये बात गलत है, मतलब साबित नहीं है। तो दोबारा भी जैसे साउथ कोरिया में और चाइना में दोबारा भी री इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि जिनको एक बार कोविड हो गया है वो सावधानी बरतते रहें, ये नहीं कि एक बार कोविड हो गया दोबारा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो जो सावधानी उन्होंने कोविड से पहले अपनाई थी, जैसे घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है उसका पालन करें। COVID-19 से बचा जा सकता है, यही इलाज है और यही एक उपाय भी है। तो आप खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, घर में रहें और सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर जाएं। आप देखते रहिए hindraaz.com, खबर वही जो आपके लिए